चिली पनीर आया ना मुंह में पानी, और खाने का मन भी किया। लेकिन आज हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, घर में ही बनाते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है पर स्वाद जबरदस्त है। फ्रेंड, मैं रचना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जायका आपका और हमारा में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चिली पनीर बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर ली है, इसको क्यूब शेप में काट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च, ये 1 इंच अदरक और 10 कली लहसुन है। इसको या तो आप बिल्कुल बारीक काट लीजिए या जैसे हम चाय के लिए अदरक कूटते हैं उस तरह से कूट लीजिए, मैंने उसी तरह से कूटा है। इसको हम आधा इसमें डालेंगे और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, हमारी पनीर जिससे टूटने ना पाए। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है, अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब 20 मिनट करीब हो गए हैं, अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर बिल्कुल सही हुआ है, हमारे पनीर में अच्छे से कोट हो गया है। अगर आपका पनीर ज़्यादा गीला दिखे तो हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर और मिला देंगे। अब पनीर हमारा तैयार है, अब इसको हम तलते हैं। अब एक कढ़ाई या पैन में हम तेल गरम करेंगे और उसमें ये पनीर फ्राई करेंगे। हम एक एक पीस रखेंगे, फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। आपका पैन या कढ़ाई जैसे छोटा या बड़ा है उस हिसाब से एक बार में या दो बार में डालकर पनीर हम फ्राई कर लेंगे। पनीर को हम पलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारी पनीर तैयार है तो हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, पनीर हमारी तैयार हो गई है। इसको हम ऐसे कॉकटेल स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। पनीर हमने फ्राई कर लिया है, अब हम सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको हम थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे। हमने 3 टेबल स्पून पानी डाला है अभी। ये 1 टीस्पून चिली पाउडर है, अगर आपके पास चिली सॉस है रेड वाली या ग्रीन वाली तो आप कोई ले सकते हैं, या हम ये चिली पाउडर ले लेंगे, इसको थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे तो हमारा चिली सॉस तैयार हो जाएगा। हमने चिली पाउडर को पानी के साथ घोल लिया है। ये कॉर्नफ्लोर हमने घोला था, इसी में हम अपना चिली सॉस मिला देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, इसको भी इसी में मिला रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस है, इसको भी हम मिला रहे हैं। हमने एक सॉस तैयार कर ली है। अब एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून तेल लिया है, इसमें अदरक और लहसुन कुटी हुई आधी हमने पनीर में डाली थी, आधी जो बचा कर रखी थी उसको डालेंगे। अदरक लहसुन को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हम इसको 2 मिनट मिलाएंगे। ये आधा कप प्याज है, इसको हमने स्क्वायर शेप में ऐसे काट लिया है, इसको डालेंगे। हम 2 मिनट प्याज को फ्राई करेंगे। अब हम
शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च भी हमने आधा कप ली है, इसको भी हमने स्क्वायर शेप में काटा है। अब इसमें हम बीच से छिरी हुई दो हरी मिर्च डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च कम या ना भी डालें, आप अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। शिमला मिर्च हमारी हो गई है। अब जो हमने सॉस मिक्स करके रखी थी, इसको एक बार और मिला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर हमारा नीचे बैठ जाता है, तो इसको हम एक बार और मिला लेंगे। अब इसे हम डाल देंगे। एक चम्मच पानी हम इसमें और डाल रहे हैं। अब बराबर चलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। अब हमारी सॉस थिक हो गई है। इसमें हम थोड़ी सी हरी प्याज डाल रहे हैं, एक मुट्ठी भर के। फ्लेम को हमने स्लो रखा है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल रहे हैं। नमक स्वाद के अनुसार, नमक हम पहले थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमारे सॉसेज में नमक होता है और हमने पनीर में भी नमक डाल रखा है। हाफ टी स्पून चीनी, वन टी स्पून विनेगर डालकर हम मिक्स करेंगे। अब हमारी सॉस रेडी है। अब हम अपनी तैयार की हुई पनीर डालेंगे। पनीर हमारी बिल्कुल क्रिस्प तैयार हुई है। अब हम सॉस में डाल देंगे इसे और इसे मिक्स करेंगे। चिली पनीर दो तरह से बनती है, एक ग्रेवी वाली और एक सूखी वाली। तो आज हम सूखी वाली चिली पनीर बना रहे हैं। तो सॉस हमारी इतनी ही होनी चाहिए कि सब्जी और पनीर में अच्छे से हमारी सॉस कोट हो जाए। अब हमारी चिली पनीर तैयार है, हम इसको प्लेट में डालते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी प्याज हम स्प्रिंकल करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए, और उसके बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन चूज कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।